हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिलेबस में भी अलग से मेंशन किया हुआ है। उल्टी, दस्त, डिप्थीरिया, निमोनिया, टीवी, टिटनेस, ये जो टाइफाइड हुआ, ये सारे जो टॉपिक हैं इनको आपको जितने MCQ बन सकते हैं ये सारे ही आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये इनसे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ का 33वां भाग है। टॉपिक वाइज जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम थ्योरी MCQ दोनों पढ़ रहे हैं, उसका हमारा ये 33वां भाग है। पहले के 32 भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक बार डिप्थीरिया बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो, डिप्थीरिया बैक्टीरिया द्वारा होने वाली एक बीमारी है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु और इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। किस बैक्टीरिया के कारण होती है? ये कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण हो जाती है। कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये बीमारी हो जाती है। और ये जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारा जो शरीर का स्वतंत्र जो गले में जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। इसको हम लिम्फ भी बोलते हैं, और उसको जाके ये प्रभावित कर देता है। और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ जो कोरोनो बैक्टीरियम जो होते हैं वो जाकर श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और वहाँ पर अपना एक जहर छोड़ देते हैं, या बोले तो विष छोड़ देते हैं। ये विष क्या करता है कि जो आंतों में या हमारे जो गले की कोशिकाएं होती हैं, जो श्वसन तंत्र होता है, वहाँ पर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है, है ना। तो अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं जिसके का, और ये क्या करता है, उनको नष्ट करके एक गले पर एक इस प्रकार का एक परत बना लेता है, एक मोटी सी परत बना लेता है। या तो ये ग्रे कलर की होती है या ये सफ़ेद कलर की होती है। सफ़ेद ये जिसको भूरा भी बोल सकते हैं, तो सफ़ेद या भूरे रंग की या ग्रे रंग की एक परत बना लेता है, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जब ये इसको ढक लेता है एक मेम्ब्रेन द्वारा, तो सांस लेने में परेशानी आती है और निगलने में परेशानी आती है। इसके कारण हृदय, तंत्रिका तंत्र, गुर्दे सारे ही अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो ये ओरली मैंने आपको ये बता दी। इसके कारण गर्दन में सूजन भी आ जाती है, और जैसे ही आक्रमण करता है उसके 2 से 3 दिनों में एक परत भी बना लेता है गले में या नाक में। कहीं पर भी ये आक्रमण कर सकता है, या तो गले में करेगा या नाक में करेगा। इस प्रकार से ये सफ़ेद कलर की परत बना देता है। अब चलिए हम इसके MCQ लगाते हैं। MCQ से आपको सारे फैक्ट समझ में आ जाएंगे, और सारे फैक्ट में क्लियर करती जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से ही सीधे सीधे आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे। इसका जो टीकाकरण है DPT, जिसके इसके इसके जो टीके के लिए DPT का टीका दिया जाता है और TT का टीका दिया जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला पर्यवेक्षक का पूरा पैकेज है। 7 बुकलेट आपको मिलती है हमारे नोट्स में। ये तो हो गई बात 7 बुकलेट की, जो आपके घर पहुंचेंगी। अगर आप ये 7 बुकलेट नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें हम आपको सारे टॉपिक PDF के रूप में, सारा सिलेबस PDF के रूप में समझाते हैं, ट्रिक करवाई जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात डेली टेस्ट होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा कि डेली टेस्ट होगा, लेकिन हमारा ही एक ऐसा कोर्स है जहां डेली टेस्ट होते हैं। कहीं भी टेस्ट होगा तो पूरा का पूरा सिलेबस का होगा। पूरे सिलेबस का MCQ बनाना बहुत आसान होते हैं, लेकिन हर टॉपिक को आप MCQ में कहीं नहीं करेंगे, केवल GK विद आकांक्षा के सब्सक्रिप्शन पर ही कर पाएंगे। तो डेली टॉपिक वाइज आप टेस्ट देंगे, डेली आपको एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो ये सारा का सारा अगर लेना चाहते हैं तो आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको बुक्स नहीं लेना है, आपको टेस्ट देना है, केवल ग्रुप से जुड़ना है, तो भी आप अकेले भी ग्रुप और हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले डिप्थीरिया, जिसको हम कौन सी बीमारी बोलते हैं? डिप्थीरिया को गलघोंटू भी बोला जाता है, क्योंकि ये गले को एकदम आक्रमण कर देती है, गले को एकदम कवर कर देती है, इसलिए इसको गलघोंटू बोला जाता है। तो ये किस प्रकार की बीमारी है? ये बैक्टीरियल बीमारी है, या ये वायरल बीमारी है, या फंगल बीमारी है, या परजीवी बीमारी है? तो ये कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के कारण होती है, या बैक्टीरिया के कारण होती है, इसलिए इसको कौन सी बीमारी कहा जाता है? बैक्टीरियल बीमारी कहा जाता है। डिप्थीरिया या गलघोंटू बीमारी का प्रमुख कारण कौन सा है? कौन से बैक्टीरिया के कारण हो जाता है? ये कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया से टॉन्सिल या त्वचा पर भूरे सफ़ेद रंग की परत बन जाती है, उस परत को क्या कहते हैं। तो डिप्थीरिया से टॉन्सिल या त्वचा पर भूरा सफ़ेद या ग्रे रंग की एक परत बन जाती है, इसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है? गले में एक श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है। याद रखना, श्लेष्म झिल्ली, ये श्लेष्म झिल्ली सूज जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि डिप्थीरिया में गले की कौन सी झिल्ली सूज जाती है, तो याद रखना है कि डिप्थीरिया में गले की श्लेष्म झिल्ली सूज जाती है। डिप्थीरिया में गले की कौन सी झिल्ली सूज जाती है? तो डिप्थीरिया में गले की श्लेष्म झिल्ली सूज जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। डिप्थीरिया से होने वाले जो टॉक्सिन है, मैंने ऊपर बताया था, जो कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, वो टॉन्सिल पर जाकर या श्वसन तंत्र पर जाकर अपना एक विष छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो काम नहीं करते उनको, इनको ये वाला बैक्टीरिया जो होता है कोरोनो बैक्टीरियम, ये मार देता है, जिसके कारण हमारा पूरा श्वसन तंत्र जो होता है विफल हो जाता है। इसके लिए एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है? रुखमणी है, रोहिणी है, मंदाकिनी है या कोरोनी है? डिप्थीरिया का दूसरा नाम है रोहिणी। डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है? रोहिणी है। और डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है, ये भी याद रखना, इसको इस प्रकार से देखते हैं, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया की जांच करने के लिए गले का एक स्वैब परीक्षण भी होता है, जिसमें एक सिक टेस्ट होता है, वो भी इसके लिए किया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। तो डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है? रोहिणी नाम है। डिप्थीरिया से संबंधित सारे फैक्ट आपको कर लेना है। मैंने जैसे बताया है सिलेबस में अलग से मेंशन किए हैं कुछ रोगों को, उनको तो आपको 100% जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको कर लेना है। आज हमारा जो पेड ग्रुप है सुपरवाइज़र का, अगर आपने हमारा ग्रुप लिया होगा तो वहाँ पर आज मैं इसकी पूरी थ्योरी भी भेजूंगी, एमसीक्यू वाली पीडीएफ भी भेजूंगी और थ्योरी वाली भी भेजूंगी। उससे आपको जितने और मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो भी सारे आपके कवर हो जाएंगे। और कल इसका पूरे का टेस्ट लूँगी रात को 10 बजे। डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है? डिप्थीरिया का दूसरा नाम रोहिणी है। गलघोंटू जो होता है या डिप्थीरिया होता है, वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये गले पर आक्रमण करता है। किस पर करता है? गले पर आक्रमण करता है। गले पर आक्रमण करने के बाद ये धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है और फिर धीरे धीरे ये हार्ट पर अटैक कर देता है, जिससे हार्ट जो होता है वो विफल हो जाता है या काम करना इसमें बंद कर देता है। अगला है, गलघोंटू के मुख्य लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, गले में दर्द तो होता है, बुखार भी आता है और सांस लेने में कठिनाई भी आती है, लेकिन त्वचा पर चकते जो होते हैं वो गलघोंटू में नहीं होते हैं या डिप्थीरिया में नहीं होते हैं। डिप्थीरिया, गलघोंटू एक ही चीज़ है, याद रखना। तो गलघोंटू में क्या नहीं होते हैं? त्वचा पर चकते नहीं होते हैं। गलघोंटू का टीका कौन सा है? गलघोंटू का जो टीका है, सबसे मेन चीज़ है यही, ये टीका आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीटी का फुल फॉर्म होता है, एक तो होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये तीन इसको बोला जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। जो पर्टूसिस होता है, पर्टूसिस को हिंदी में बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी को हिंसक खांसी भी बोला जाता है। सबसे पहले ये फुल फॉर्म याद रखिए, डिप्थीरिया का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा अब हम मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जो टीकाकरण होता है वो टीका किस रूप में इसको दिया जाता है। तो देखो, टीके की इसकी टोटल डीपीटी की जो टीके डीपीटी का जो टीका है उसकी टोटल 5 खुराक दी जाती हैं। कैसी? एक तो दी जाती है 6वें सप्ताह में, दूसरी 10वें सप्ताह में और तीसरी 14वें सप्ताह में। 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है, याद रखना। 6वें, 10वें, 14वें सप्ताह में ये किसके साथ दी जाती है? ये पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है उसके साथ ये दी जाती है। और इसका मोड होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब आईएम मोड पर दी जाती है, मतलब मांसपेशी के अंदर जंग पर ये दी जाती है। और इसकी जो मात्रा होती है वो 0.5 ml होती है। आईएम मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर दी जाती है और ये जंग पर दी जाती है। इसकी 3 खुराक इसकी पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है, याद रखना, 6वें सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14वें सप्ताह में, मतलब 4 सप्ताह का मैक्सिमम अंतर इनका होना चाहिए। तो ये तो हो गया जब बच्चों को दी जाती है, 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में किसके साथ दी जाती है? पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है, 0.5 ml। अब बात हो रही है कि इसकी जो मात्रा होती है जब इसको बूस्टर दिया जाता है,
इसका जो बूस्टर होता है वो कैसे दिया जाता है। तो इसका जो ये तो ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 6वें, 10वें, 14वें सप्ताह में पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ इसकी ये मात्रा दी जाती है, इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा ये दी जाती है। अब बात की जाती है कि अब ये अब तीन पे तो हो गई पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ, बाकी जो दो वैक्सीन बची है वो कैसे दी जाएगी। तो पांच तो टोटल पांच दी जाती है 6वें, 10वें, 14वें सप्ताह के बाद, जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है। उसके बाद ये दी जाती है 16 से 24 महीने में, DPT का पहला बूस्टर के रूप में दिया जाता है। इसको भी आप जो इंट्रामस्कुलर ही इसको दिया जाता है, मतलब मांसपेशी के अंदर ही दिया जाता है। दूसरा DPT का बूस्टर दिया जाता है 5-6 साल में, इसको भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, बट इसको कहाँ पे दिया जाता है, इसको भुजा पर दिया जाता है। बाकी की जो चार वैक्सीन है जो 6, 10, 14वें सप्ताह और 16 और 24 महीने में दी जाती है, बाकी की कहाँ पे दी जाती है, ये बाईं जांघ पर दी जाती है। और DPT का जो दूसरा बूस्टर है वो कहाँ पे दिया जाता है, वो दाहिनी भुजा पर दिया जाता है, ये आपको बस याद रखना है। तो ये इससे पूरा आपको DPT समझ में आ जाएगा, कितनी मात्रा दी जाती है, 0.5 ml की मात्रा दी जाती है। टोटल कितना इसकी मात्रा दी जाती है, टोटल इसके कितनी मतलब खुराक दी जाती है, तो 5 खुराक में ये दिया जाता है। 3 पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है, 2 सिंगल सिंगल दी जाती है। हाँ, एक और बात, जो दूसरा बूस्टर दिया जाता है वो 5 से 6 वर्ष में दी जाता है। तो DPT का जो दूसरा बूस्टर है ना, अब ये आता है कि जो दूसरा बूस्टर है इसका आपको ध्यान रखना है कि ये 7 वर्ष के बाद नहीं दिया जाता। अगर 7 वर्ष के बाद ये दे दिया तो ये नुकसानदायक रहता है बच्चे के लिए। 7 वर्ष के बाद DPT का दूसरा बूस्टर नहीं दिया जाता। 7 वर्ष के बाद अगर ज़रूरत है बच्चे को देने की तो फिर TD दिया जाता है, जिसको हम टिटनेस डिप्थीरिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू से संक्रमित व्यक्ति की सांस से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। सांस की बात कर रहे हैं, सांस से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा, फेफड़े प्रभावित होंगे। गलघोंटू के लक्षण कितने दिनों के अंदर या उसकी ऊष्मायन अवधि कितनी है, तो गलघोंटू के लक्षणों की जो ऊष्मायन अवधि है वो 2 से 5 दिन, मतलब 2 से 5 दिन में ये सामने आने लगते हैं इसके लक्षण। ऊष्मायन मतलब उत्पन्न होने की अवधि कितनी है, तो कितनी है, 2 से 5 दिन है। अगला है, गलघोंटू का सबसे आम इलाज क्या है। देखो, गलघोंटू मतलब किसके द्वारा हो रहा है, बैक्टीरिया द्वारा हो रहा है। जब बैक्टीरिया खाते हैं अपन, बैक्टीरिया होता है जब अपन को, सॉरी खाते जब बैक्टीरिया अपन को प्रभाव करता है तो अपन उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीवायरल तब देते हैं जब वायरस की सहित कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया है, खसरा हो गया है। नहीं, सर्जरी तो क्यों होगी, बैक्टीरिया तो हमेशा ही हर व्यक्ति को आक्रमण करेंगे। अगर सर्जरी करते रह रहे हैं तो फिर तो हो गया, हर व्यक्ति की सर्जरी 100-100, 50-50 सर्जरी अब तक हो गई होती। तो क्या दिया जाता है इसमें, गलघोंटू का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। गलघोंटू कैसे फैलता है, दूषित जल, दूषित भोजन, संक्रमित व्यक्ति संपर्क या पशु के मानव से। तो ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। गलघोंटू के इलाज में जो एंटीटॉक्सिन का उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। देखो, दो प्रकार की दवाइयों का इसमें उपयोग होता है गलघोंटू में, एक तो होता है एंटीबायोटिक और एक होता है एंटीटॉक्सिन। एंटीबायोटिक और एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन क्या होता है, जो कि जो जीवाणु आपके अंदर है, जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, उसके लिए हम एंटीटॉक्सिन का उपयोग करते हैं। और एंटीबायोटिक उनको मार ही देता है, जो जीवाणु होते हैं ना उनको मार ही देता है, और एंटीटॉक्सिन क्या करता है, निष्क्रिय करता है। अगला है, गलघोंटू का सबसे आम टीकाकरण कब स्टार्ट होता है। मैंने बताया था 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह, इन सप्ताहों में सबसे पहले ये दिया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ, बाईं जांघ पर दिया जाता है। तो देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन तो है नहीं है, लेकिन हाँ ये इससे सटीक बैठ रहा है, तो जन्म के तुरंत बाद मतलब 6वें सप्ताह तक पहला इसको दे देना चाहिए। गलघोंटू की सबसे आम जटिलता क्या है, सबसे आम जटिलता क्या हो जाती है, श्वसन तंत्र काम करना बंद कर देता है, सांस लेने में समस्या आ जाती है, तो हार्ट जो होता है वो विफल हो सकता है, तो मतलब दिल की विफलता इसका मेन कारण हो सकता है। अगला है, गलघोंटू में सबसे अधिक किस उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। तो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे गलघोंटू या डिप्थीरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गलघोंटू को और क्या बोलते हैं, गलघोंटू को और बोलते हैं
डिप्थीरिया, क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया बोलते हैं गलगोटू को। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक, आपने सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे को ज्वाइन कर लीजिए। आकांक्षा 1957 जो इंस्टाग्राम आईडी है वो पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मैंने पिक्चर्स डाले हैं, जैसे कि सक्षम 2.0 अभी एक पोषण योजना आई है जहाँ पर आंगनवाड़ी में जो भी मंगल दिवस मनाए जाते हैं वो सारा अपडेट हुआ है, नया करंट डाटा है, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी डिटेल भी डाल दी, बहुत सारे एमसीक्यू भी मैं वहाँ पे एडवांस लेवल के करा रही हूँ, तो इसलिए इसको फॉलो कर लीजिए, इसको आपका ही फायदा है, निःशुल्क आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे, सुपरवाइजर के लिए MPPSC की तैयारी भी करते हैं तो वो फैक्ट भी आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। तो जल्द सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वीडियो को पॉज करके आकांक्षा 1957 सर्च कीजिए और फॉलो कर लीजिए। अगर आपको नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गलघोंटू में सबसे अधिक किस उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं, 1 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं। गलघोंटू से संक्रमित व्यक्ति को अलग रखने की सलाह क्यों दी जाती है, कि ताकि बीमारी ना फैल पाए, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। तो गलघोंटू से संक्रमित व्यक्ति को क्यों अलग रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बीमारी जो है वो फैलने से रुक जाए। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू का विषाक्त जो पदार्थ है वो शरीर के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। विषाक्त जो पदार्थ है वो श्वसन तंत्र पर इफेक्ट डालता है, किस पर डालता है, जो विषाक्त पदार्थ है वो श्वसन तंत्र पर इफेक्ट डालता है। अगला है, गलघोंटू के कारण प्रमुख क्या होता है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सबसे मेन चीज़ होती है सांस लेने में परेशानी होती है, श्वसन विफलता इसका मुख्य कारण है, जो मुख्य रूप से इसके जोखिम का कारण बनता है। गलघोंटू का संक्रमण कैसे निकल सकते हैं, गलघोंटू का संक्रमण टीका द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, मैंने बताया था अभी, किसका टीका किया जाता है, DPT का किया जाता है, टोटल DPT की बच्चों में 5 वैक्सीन दी जाती, वैसे रिकमेंड किया जाता है जो TD का टीका है, टिटनेस डिप्थीरिया का, ये हर 10 साल के, जैसे कि बच्चे को एक टीकाकरण 6 साल में हो गया है, 6 साल में बच्चे को DPT का दूसरा बूस्टर लग गया है, 6 साल के बाद तो हम DPT दे नहीं सकते, तो उसके बाद आप TD दे सकते हो। TD का ऐसा बोला जाता है हर 10 साल में बच्चे को दिया जाना चाहिए, अब बच्चा वयस्क हो जाता है फिर भी देना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ लोहा से लगती रहती है, बच्चे को खरोंच वगैरह लगती रहती है, बारिश में समस्याएं आती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ना हो, इसलिए TD दे दो। अगर DPT के बाद ज़रूरत पड़ती है तो क्या दे देना चाहिए, TD देना, लेकिन DPT को 7 वर्ष के बाद नहीं देना चाहिए। अगला है, गलघोंटू के लक्षणों में गले में कौन सी परत बन जाती है, तो गलघोंटू के लक्षणों में गले में एक भूरे ग्रे रंग की परत बन जाती है, भूरे से और ग्रे रंग की परत बन जाती है, मैंने सबसे पहले ऊपर बताया था आपको कि किस प्रकार की एक परत बन जाती है। फ्रेंड्स ये हमारा पूरा ऑनलाइन तैयारी है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो में कवर करवा देती हैं, तो सोचिए हम जब वीडियो में इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, सारा टॉपिक कवर करवा रहे हैं, तो सोचिए हम हमारे जिन्होंने हमें पैसे दिए होंगे, जिन्होंने हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लिया होगा, हम उनको क्या ही करा रहे होंगे। तो अगर आप लोग हमारा पूरा फुल कोर्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कि आप हमारी 7 बुकलेट नहीं मंगा सकते हैं, इतना ऑफर नहीं कर सकते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका चार्ज केवल 799। इस 799 में आपको डेली टेस्ट देने मिलेंगे, कहीं पर ऐसा नहीं होता कि आप डेली टेस्ट दें, आपको टेस्ट मिलते भी हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती भी है, तो वो एक से टेस्ट जो होते हैं पुराने पेपर्स को मिला जुला के, वो सब एक से मैथ रीजनिंग मिला के पूरा 200 प्रश्नों का टेस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट जो होता है वो केवल GK वित्तकांक्षा चैनल के सब्सक्रिप्शन में ही है। यहाँ पे आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, डेली टॉपिक वाइज, जैसे कि आज हमारा जो टेस्ट है वो अभी प्रेरणा का है, अभी प्रेरणा में आज हमने पढ़ाया है अभी स्टूडेंट को शाम में, जिसमें मैंने मॉसलो का सिद्धांत पूरा पढ़ाया है, मॉसलो की कितनी आवश्यकता है, कौन सी सबसे बड़ी आवश्यकता है, कौन सी सबसे निम्न आवश्यकता है, टोटल कितनी है, कि कौन सी आवश्यकता कब होती है, इसके बाद मैक्स ग्रेगर का XY सिद्धांत पढ़ाया है प्रबंधन का, और इसके बाद मैंने हर्ज़बर्ग के फैक्टर समझाए हैं, आरोग्य जो फैक्टर है वो मोटिवेटर फैक्टर है, तो ये सारा कुछ हमने आज करवाया है, और आज रात को 10 बजे टेस्ट होगा। कल मैं डिप्थीरिया का पूरा थ्योरी बनाई है,
पूरी थ्योरी बच्चों को पहुंचाऊंगी और ये एमसीक्यू भी पहुंचाऊंगी। फिर इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, टीकाकरण डीपीटी का क्या होता है, ये सारा का कल 10 बजे टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज हमारे स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 24/7 अपडेट रहता है। हम हर वक्त वहाँ पर क्वेश्चन कराते रहते हैं, बार बार एक ही एक दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। जो टॉपिक कठिन होता है, जैसे टीकाकरण के मोड हुए, उनके डिग्री हुई, उनके कोण हुए, उनकी मात्रा हुई, ताकि वो स्टूडेंट को बार बार दिमाग में आए तो वो बार बार उस चीज़ को बिल्कुल याद हो जाए। तो ये सारा कुछ हम केवल 799 आपसे ले रहे हैं और सारा कुछ आपको दे रहे हैं। डेली टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट होते हैं, डेली पीडीएफ दी जाती है, सारी परिभाषाएं होती हैं तो ट्रिक द्वारा कराई जाती हैं, आईसीएमआर रिपोर्ट है 2020 की, 2024 की, ये सारी ट्रिक द्वारा करवाई जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब की सारी पीडीएफ आपको दी जाती है। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न हम आपको तैयार करवा देंगे। अगर आप घर पे नोट्स मंगवाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको मिलता है। अगर नोट्स नहीं भी मंगवाते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गणित साहब से नहीं बनती है तो गणित के सारे टॉपिक हम ट्रिक द्वारा करवाएंगे। तो या तो आप हमारी ये 7 बुकलेट मंगवा लो, जिसमें 5 थ्योरी बुक है, 1 MCQ बुकलेट है और 1 वन लाइनर बुकलेट है। ये आप हमारा ये पूरा ऑनलाइन पैकेज ले लो, कुछ भी, जो भी आपका मानो जो आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं। गलघोंटू के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण दवा कौन सी है, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, एंटीटॉक्सिन या पैरास्टामोल? सबसे महत्वपूर्ण जो दवा है वो होती है एंटाटॉक्सिन। मैंने बताया 2 प्रकार की दवा दी जाती है, एक एंटीबायोटिक और एक एंटीटॉक्सिन। टॉक्सिन क्या करती है, जीवाणु अंदर गया है उसको निष्क्रिय कर देती है, और एंटीबायोटिक क्या करती है, उनको मार देती है। गलघोंटू का टीकाकरण कितनी बार किया जाता है, 5 बार, जैसा मैंने अभी बताया, 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह, 14वें सप्ताह, ये 4-4 सप्ताह के गैप से। इसके अलावा एक किया जाता है 16 से 24 महीने में, और एक चौथ जो 5वें नंबर का किया जाता है वो 5 से 6 वर्ष की उम्र में। ये दोनों होते हैं DPT-1 बूस्टर और DPT-2 बूस्टर होते हैं, और ये वाला जो होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू किस मौसम में अधिक फैलता है, तो सर्दी के मौसम में। ये बैक्टीरिया वायरल ज़्यादा संक्रमित रहते हैं तो सर्दी के मौसम में ये सबसे ज़्यादा फैलता है। गलघोंटू का निदान किस परीक्षण द्वारा किया जाता है, गले की स्वैब जांच या एक सिक टेस्ट होता है, सिक टेस्ट भी डिप्थीरिया के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू के उपचार में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विषाक्त पदार्थ को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, एंटीटॉक्सिन का। एंटीटॉक्सिन का उपयोग विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय करने किया जाएगा और एंटीबायोटिक्स का उपयोग बैक्टीरिया को मारने किया जाएगा। अगला है, गलघोंटू के प्रभाव में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो सबसे अधिक इनमें से कोई प्रभावित होता है तो वो यकृत। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि जो नवजात बच्चा होता है या उसकी FHR क्या होती है, फीटल हार्ट रेट या भ्रूण की हृदय रेट कितनी होती है, उसका भ्रूण की जो धड़कन होती है वो कितने पर मिनट कितना धड़कती है, ये आपको मुझे बताना है। नवजात बच्चे की धड़कन कितनी होती है कमेंट करके बताइएगा। सारे लोग जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चे की हार्ट की धड़कन जो होती है वो कितनी होती है। अगला है, गलघोंटू संक्रमण के कारण बनने वाली परत किस रंग की होती है, तो ये सफ़ेद होती है, धीरे धीरे ये ग्रे कलर की हो जाती है, तो सफ़ेद या ग्रे रंग की इसकी परत होती है, याद रखिएगा। अगला है, गलघोंटू से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, देखो निष्क्रिय वायरस नहीं लगाया जाता, निष्क्रिय वायरस लगाया जाता है टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, ये जो होते हैं ये निष्क्रिय वायरस होते हैं। जीवित वायरस में कौन सा आ जाता है, BCG आ जाता है, और इसके अलावा आपका MMR की जो वैक्सीन होती है वो आ जाती है, छोटी माता बड़ी माता इनका जो चेचक का जो वैक्सीन होता है वो जीवित में आ जाता है। टिटनेस और डिप्थीरिया जो होते हैं, टिटनेस हुआ, डिप्थीरिया हुआ, ये TD का टीका हुआ, ये टॉक्साइड होते हैं। इनकी ये इनके टीके का प्रकार कौन सा होता है, टॉक्साइड होता है। मैंने टीके के प्रकार का भी वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। हमारे बहुत सारे कोर्सेज चैनल पर चल रहे हैं, वो निःशुल्क हैं, जैसे कि एक योजनाओं वाला चल रहा है उसमें लगभग 7-8 भाग हो चुके हैं, एक 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है जिसमें 7-8 भाग हो चुके हैं, सारे ही देख लीजिएगा अगर आपको सुपरवाइज़र। हम केवल वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आना है। मैंने पहले भी आपको बोला है बहुत स्मार्ट स्टडी कीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाल विकास कहीं कहीं पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का पढ़ाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है, प्रबंधन पटवारी लेवल का पढ़ाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है। जो मेन टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको वही करना है ना, वो स्मार्ट स्टडी करना है आपको, बिल्कुल एक भेड़ चाल में नहीं चलना है, हर कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अपने दिमाग का भी उपयोग आपको
करना है। हम हमारा जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं या जिन्होंने लिया है, हम उसमें हम अपने ही अकॉर्डिंग करवाते हैं। हमको पता है कि क्या आना है, हम वही टॉपिक दे रहे हैं और वही टॉपिक के ही एमसीक्यू डेली कराते हैं। वही टॉपिक जो होता है कठिन से कठिन टॉपिक, उनको ही बार बार करवाते हैं कि ताकि आप भूले नहीं। यही चीज़ आपको करना है, भले ही आप हमारा सब्सक्रिप्शन ना लें, भले ही आप हमारा ग्रुप ना लें, लेकिन जो निःशुल्क वीडियोज़ हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जो डला हुआ है उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। खुद भी सोचिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये आ सकता है क्या नहीं। आप खुद इतने बड़े हो गए हैं, आपको खुद ही समझ में आता है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। गलघोंटू के लक्षण दिखने के बाद व्यक्ति को कितने समय तक दूसरों से अलग रखा जाता है, तो 7 से 10 दिन तक व्यक्ति को दूसरे से अलग रखा जाता है। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु क्या करता है, एक विष छोड़ता है जो आपके गले में ग्रे टिशू के निर्माण का कारण बनता है। गले में क्या हो जाता है, एक ग्रे से कलर का एक टिशू बन जाता है, जिससे निगलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला है, गलघोंटू से बचने के लिए सबसे पहले कौन सी प्राथमिक सावधानी आवश्यक है। प्राथमिक सावधानी बोल रहे हैं, है ना, प्राथमिक सावधानी बोल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड, तो सबसे पहले है कि बच्चे को टीकाकरण ही कर दें, कि सबसे पहली सावधानी है क्या कर दें, टीकाकरण ही कर दें, ये सबसे पहली सावधानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू संक्रमण का प्राथमिक तरीका क्या है। दूषित पानी, दूषित भोजन, हवाई बूंद या रक्त संचार, तो ड्रॉपलेट्स है। गलघोंटू संक्रमण का क्या सबसे प्राथमिक तरीका क्या होता है, हवाई बूंद है, ड्रॉपलेट, एकदम कहीं से एकदम जो पानी जो अंदर जाता है वो एकदम बहुत स्लो स्लो से जाता है, तो ड्रॉपलेट जो बूंदें होती हैं वो इसका सबसे मेन कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू संक्रमण का सबसे प्रमुख जोखिम क्या है। हृदय की समस्या, हार्ट की समस्या, कोई भी बीमारी हो सबसे मेन होती है, क्योंकि वो हार्ट फेल हो जाता है उससे, तो ये इसका सबसे मेन कारण है। गलघोंटू के इलाज के लिए एंटीबायोटिक किसे नष्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, और एंटी जो टॉक्सिन होते हैं वो विषाक्त पदार्थ को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। दोनों ही प्रकार की जैसा लेवल हो उस हिसाब से दवाई दी जाती है। गलघोंटू में श्वास मार्ग की अवरोधता क्यों होती है, किस कारण से हो जाती है, क्योंकि गले में एक सख्त झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब कोई आपके गले में बीच में आ रहा है कोई पदार्थ, आप बीच में अटक रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको सांस लेने में कठिनाई होगी ना, तो क्या हो जाएगा, गले में एक सख्त झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे श्वास मार्ग की अवरोधता होती है। अगला है, गलघोंटू का टीका किस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, तो ये DPT के टीकाकरण में शामिल है। इसमें कितना किया जाता है, 5 खुराकें दी जाती हैं। BCG जो होता है वो TV की वैक्सीन होती है, जन्म के 24 घंटे के अंदर इसको दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं, ये भी जन्म होते से ही दी जाती है। MMR जो होती है, मम्स, मीजल्स और रोबेला, ये तीन प्रकार की बीमारियों के लिए ये एक संयुक्त वैक्सीन है MMR। मैंने MMR के लिए खसरे का एक वीडियो बनाया था, खसरे का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने खसरे का पूरा समझाया है आपको, खसरा क्या होता है, कैसे फैलता है, किस अंगों को प्रभावित करता है, जो चकते पड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है, कैसे दिया जाता है टीका, मार्ग क्या है, कितनी मात्रा दी जाती है। तो वो खसरे को अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। जैसे डिप्थीरिया मैंने करवाया, ऐसे ही मैंने खसरा भी करवा दिया है, ऐसे ही मैंने दस्त भी करवा दिया है, और ऐसे ही मैंने उल्टी भी करवा दी है। गलघोंटू का विषाणु गले के अलावा किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। देखो यहाँ पे हृदय नहीं दिया है, यदि हृदय यहाँ दिया होता तो हृदय आंसर होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेफड़े आंसर हो जाएगा। गलघोंटू से संक्रमित होने पर कितने जल्दी उपचार शुरू कर देना चाहिए। यदि गलघोंटू से या डिप्थीरिया से संक्रमित कोई व्यक्ति है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर ही उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। गलघोंटू के कारण गले में बनने वाली झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, तो गलघोंटू के अंदर गले में एक झिल्ली बन जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन करके एक वाइट कलर की झिल्ली बन जाती है, तो ये किस पदार्थ से बनी होती है, ये फाइब्रिन से बनी होती है। किस से बनी होती है,
किससे बनी होती है? ये फाइब्रिन से बनी होती है, गलघोंटू के कारण जो गले में जो झिल्ली बन जाती है वो किससे बनी होती है? फाइब्रिन से बनी होती है। गलघोंटू के खिलाफ जो प्रतिरक्षण है वो कब से शुरू कर देना चाहिए? गलघोंटू के खिलाफ जो प्रतिरक्षण किया जाता है उसको कब से शुरू कर देना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद ये कर देना चाहिए। किसके जन्म के तुरंत बाद? अगला है, गलघोंटू के लक्षण कब से कितने दिन में प्रकट हो जाते हैं? 2 से 5 दिन में गलघोंटू के लक्षण जो होते हैं प्रकट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 2 से 5 दिन में प्रकट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो पहला क्या है, बैक्टीरिया के कारण होता है, बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया टॉक्सिन के खिलाफ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जानने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन पथ को प्रभावित करता है, ये गलत है। डिप्थीरिया जो होता है ना वो ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है, ना कि निचले श्वसन पथ को करता है, तीसरा रॉन्ग है। चौथा, डिप्थीरिया की ऊष्मायन अवधि 2 से 5 दिन की है, ये भी सही है। डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर मुंह, नाक और गले की झिल्लियों के ऊपरी श्वसन पथ को, ये फैक्ट याद रखना, ये श्वसन पथ जो होता है ऊपर होता है और नीचे होता है, तो ये ऊपरी जो श्वसन पथ होता है जहाँ से हम बात करते हैं, जो कंठ होता है, स्वरतंत्र होता है, उसको प्रभावित करता है। डिप्थीरिया की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट किया जाता है, आरडीटी किया जाता है मलेरिया की जांच के लिए। आरडीटी किसके लिए किया जाता है? मलेरिया की। मोंटेक्स जो परीक्षण है वो टीवी की जांच के लिए किया जाता है। ब्यूरो जो टेस्ट होता है वो प्रोटीन की जांच के लिए किया जाता है, कि प्रोटीन इस पदार्थ में कितना प्रोटीन है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। डिप्थीरिया के लिए कौन सा किया जाता है? सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित करने के लिए सरल त्वचा परीक्षण है। डिप्थीरिया विष का एक पतला सा 0.1 ml त्वचा में अंतः स्नाभी रूप से इंजेक्ट किया जाता है। यदि कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती उसके खिलाफ तो 2-3 दिनों के भीतर एक लाल सूजा हुआ क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस प्रकार से ये सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया के लक्षण में क्या हो जाएगा? एक गर्दन में नरम ऊतक की सूजन टाइप हो जाएगी, बैल की गर्दन, एक बोलते हैं बैल में जैसी गर्दन होती है ना, उठी उठी सी हड्डी सी निकली होती है, ऐसे व्यक्ति की गर्दन, इसलिए उसको बैल की गर्दन बोलते हैं। गले में खराश होती है और निगलने में भी कठिनाई इससे हो जाती है। डीपीटी वैक्सीन लगाने का मार्ग क्या है? इंट्रामस्क्यूलर है। खसरे का लगाया जाता है SC, खसरे को SC मोड से लगाया जाता है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो पोलियो वैक्सीन, उसको ओरली दिया जाता है। VCG क्या होता है? बाई वहाँ के ऊपरी भाग पर लगाई जाती है, ये बाहा में लगाई जाती है बड़ों को, आईडी जो होती है, लेकिन ये जो बच्चों में होती है जांग पे लगाई जाती है। DPT का प्रयोग किसको रोकने के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया को रोकने में किया जाता है। वर्तमान समय में DPT वैक्सीन की 3 खुराक 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है, 4 सप्ताह के गैप से, और फिर उनके बाद 16 से 24 महीने में DPT की बूस्टर खुराक 1 दी जाती है, और दूसरी कब दी जाती है? 5 से 6 वर्ष में। DPT टीका किस प्रकार का उदाहरण है? निष्क्रिय, सक्रिय या दोनों या इंटरफेरॉन। तो एक सक्रिय प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा किस प्रकार की है? ये सक्रिय प्रतिरक्षा है। और यहाँ पर टॉक्साइड होता तो टॉक्साइड आपका आंसर हो जाता। DPT वैक्सीन को भारत में नियमित टीकाकरण के रूप में कब पेश किया गया, मतलब नियमित रूप से इसको कब से नियमित रूप से दिया जाने लगा? तो 1978 से DPT को, टीके को नियमित रूप से दिया जाने लगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम, जिसको UIP बोलते हैं, उसमें DPT को कब शामिल किया गया? तो उसको उसमें DPT को 1998 में शामिल किया। उसमें DPT को कब शामिल किया? तो उसमें DPT को 1998 में शामिल किया, याद रखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम में DPT को 1998 में शामिल किया था। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। ये प्रैक्टिस है जो आपको हमारे नोट्स के साथ मिलेगा, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।